एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबानी हमला बोलने से कभी नहीं चूकते। बीजेपी के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा ओवैसी के निशाने पर रहते हैं। अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर ओवैसी ने चुटकी ली है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक ड्रोन अरुणाचल और लद्दाख क्यों नहीं भेज देते हैं, जहां उनका दोस्त चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वो ड्रोन के जरिए पता लगा लेते हैं कि कोई काम कितना हुआ है। उन्होंने ड्रोन से ही केदारनाथ परियोजना के कामकाज का भी जायजा लिया था। पीएम मोदी के इस बयान को शेयर करते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी को चीन की हिमाकत की याद दिलाई है। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। पीएम मोदी की बात के बाद तो मानो ओवैसी को मौका मिल गया था। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा कि मोदी जी एक ड्रोन अरुणाचल प्रदेश भेज दीजिए, जहां आपके जिगरी यार शी भाई ने भारत की जमीन पर अपनी कॉलोनी बसा ली है, और एक ड्रोन लद्दाख को भी भेजिए और देखिए कि कैसे चीन ने हमारी पेपोंग झील में एक पुल बना लिया है। जरा एक ड्रोन हॉट स्प्रिंग देमचौक में भी भेजिए। पीएम मोदी के इस भाषण पर दूसरे विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर कहा कि हे ड्रोनाचार्य, आप यदि कोविड के समय कुछ ड्रोन गंगा मैया पर भेज देते तो आपको वो पता चल जाता जिसकी जानकारी पूरे विश्व को है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ट्विटर पर लिखा कि इस क्रम में एक ड्रोन चीन की सीमा पर भी भेज दीजिए मोदी जी। बता दें कि जो वीडियो ओवैसी ने शेयर किया है वो पीएम मोदी के भाषण का एक हिस्सा मात्र है। ड्रोन फेस्टिवल में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम से बात शुरू की थी। पूरा मामला समझने के लिए आप भी एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं, सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के, और अनेक विषयों की चर्चा होती है, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोंस्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलरली मिले मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है।